सोलो फ्रेंड कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग किसी का भी व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए बिना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्या होता है कि दोस्तों हम किसी का भी व्हाट्सएप से देखते हैं और वहाँ पर हमें कोई भी स्टेटस पसंद पड़ जाता है तो वहाँ पर हम उसे मांगना पड़ता है, उसे मैसेज करना पड़ता है कि मेरे पास वीडियो भेजो या फोटो भेजो, जो भी कुछ भी हो भेजो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे बिना मांगे किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते और जान लेते हैं कैसे आप लोग किसी का भी व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में गैलरी में और वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को खोल लेना है और किसी का जो भी आप लोग का स्टेटस डाउनलोड करना है उसे सबसे पहले आप लोग को देख लेना है, पूरा फुल वॉच कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख रहा हूँ जो भी हमको डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे हमें वॉच कर चुका है, देख चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड करना है बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से। तो दोस्तों चलिए मैं आप बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आप लोग क्या करना है, अपने आपके मोबाइल में हर किसी के मोबाइल में फाइल मैनेजर का ऑप्शन रहता है, मतलब फाइल मैनेजर ऐप रहता है, आप लोग को सिंपली उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आप लोग को ऑल फाइल में जाना है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ऑल फाइल खोलने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक एंड्रॉयड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे हर किसी के मोबाइल में रहता है एंड्रॉयड वाला ऑप्शन, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या करना है, सेकंड नंबर में हमें मीडिया का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का खुल कर आ जाए। उसके बाद आप लोग को व्हाट्सअप यहाँ पर खोज लेना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीचे से यहाँ पर com.whatsapp यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो फिर एक यहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग को फिर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आप लोग को व्हाट्सअप स्टेटस का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग को स्टेटस वाले ऑप्शन लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को आपके मोबाइल में थ्री डॉट दिखाई देगा यहाँ पे, नहीं तो आपके मोबाइल में कहीं दूसरे मोबाइल होगा तो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो दोस्तों क्या करना है, आप लोग को थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे शो का ऑप्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हाइड फाइल देखिए इस पर पहले से ही टिक होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पहले से हाइड फाइल यहाँ पर होगा, तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर शो हाइडेड फाइल पर क्लिक कर देना है। आप लोग को अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप लोग को कहीं भी आप लोग के मोबाइल में इधर उधर मतलब कहीं देखिएगा वहाँ पे हाइड फाइल यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आप लोग क्लिक करके वहाँ पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सो हाइडेड फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके वाले जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे और दो तीन यहाँ पे एथी मतलब यहाँ और दो तीन ऑप्शन यहाँ पे खुल कर आ जाएगा यहाँ पे फाइल। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्टेटस का ऑप्शन, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा जो भी आप लोग को व्हाट्सअप मतलब व्हाट्सअप स्टेटस लगाया होगा आप लोग को सबका यहाँ पर खुल कर आ जाएगा जो आप देख चुके हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जो भी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे स्टेटस है जो हम देखे थे, आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही था, आप लोग को दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यही स्टेटस था जो आप लोग को दिखाए थे वीडियो को शुरुआत में। तो दोस्तों क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर बैक चल जाना है। अब डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आप लोग को देखिए यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है जो जिस जिसको आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सबको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आप लोग को कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आप लोग को बैक जाना है और क्या करना है आप लोग को, चलिए मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद देखिए आप लोग को कहीं भी आप लोग को पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सेव हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए मैं इसमें ही पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहले से ही फोटो था। आप लोग क्या करना है, इसमें सिंपली इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाए पे आप लोग का फाइल यहाँ पे सब यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं अपने वीडियो प्लेयर में कि वहाँ पर गया है कि नहीं, आप लोग को डाउनलोड हुआ है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पे होम बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे वीडियो प्लेयर हम अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा,
वीडियो प्लेयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में वीडियो होगा यहाँ पे शो करने लगा। तो वहाँ पे हम लोग वीडियो फाइल में पेस्ट किए थे, वहाँ पे डाउनलोड किए थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो फाइल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इसमें क्लिक कर दे रहा है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आ गया जो हम लोग वहाँ पे डाउनलोड किए थे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का खुलकर मतलब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए यही वीडियो आप लोग को दिखाए थे वहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आप लोग को दिखाए होंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने मोबाइल फ़ोन में किसी का भी व्हाट्सएप मैसेज डाउनलोड कर सकते हैं बिना उसे मांगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं।